हाय गाइस, आप भी ऐसा वीडियो बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को पूरा तक देखिए। तो पहला काइन मास्टर खोलना है। काइन मास्टर खोलने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, उसका प्लस वाला आइकन, उसका 16.9 का लेना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस, उसको मैं एडिया पे जाना है। उसके बाद ईस्ट, उसके बाद बैकग्राउंड लेना है आपको, ब्लैक बैकग्राउंड एक ठक लेना है, उसका थोड़ा खींच लेना है। उसके बाद फिर लेयर पर जाना है, उसके बाद टैक्स पर जाना है। उसके बाद आपका कुछ जो भी लिखना है उसको आप लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, कुंवर सिंह, कुमार सी। हाँ, उसके बाद ओके। उसके बाद थोड़ा बड़ा कर देना है, जूम आउट करके बड़ा करके बाद उसके बाद आपको फ्रंट लेना है, जो आपके मोबाइल पर होगा। आपके हिसाब से कुछ भी फ्रंट ले सकते हैं, तो मैं अपना फ्रंट चेंज कर रहा हूँ। इस फ्रंट को मैं चेंज करता हूँ, तो इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद आपको फ्रंट चेंज करने के बाद फिर थोड़ा बड़ा लीजिए नीचे के लेयर को। उसके बाद हमको जाना है कलर पर। कलर अपने हिसाब से आप कुछ भी कलर डाल सकते हैं, मैंने इस कलर को चेंज किया हूँ। उसके बाद जाना है शेयर पर, क्लिक करना है, तो हमको सेव करना है अपने वीडियो को। तो इस प्रकार से हम एक्सपर्ट को दबा के सेव किए हैं, कर रहे हैं। इस प्रकार सेव हो रहा है, तो हमारा वीडियो जो बनाए थे वो सेव हो गया है। तो फिर हमको फिर से काइन मास्टर खोलना है, उसके बाद प्लस वाले आइकन को दबाना है, फिर 16.9 को रेशो को लेना है। उसके बाद फिर ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद मीडिया पे जाना है। उसके बाद बैकग्राउंड लेना है आपको, तो बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड ही लेना है। तो उसके बाद थोड़ा लेयर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर ले जाते हैं। उसके बाद मीडिया पे जिस प्रकार उस वीडियो को सेव किए थे, उस वीडियो को ऐड करना है। जैसे मैंने इस फोल्डर पर है, तो इस फोल्डर की वीडियो को मैं ऐड कर रहा हूँ जो सेव किए थे अभी। तो सेव करने के बाद आपको फिर कोमा की पर जाना है, कोमा की के बाद कोमा की को ऑन करना है। फिर जिस वीडियो का जो और टैक्स में कलर दिए थे, उस कलर को चेंज करना है। उसके बाद थोड़ा इस लाइन को बढ़ा लेना है। उसके बाद फिर ऊपर वाले को कोई भी कलर आप दे सकते हैं इस प्रकार। तो थोड़ा जूम आउट कीजिए। उसके बाद फिर लेयर पर जाकर फिर हैंड राइटिंग पर जाना है। हैंड राइटिंग पर अपने कलर चेंज करना है, फिर पिंसिंग वाले को चेंज करना है, फिर इस प्रकार अपनी स्क्रीन पर घुमाना है। तो मैं घुमा रहा हूँ। उसके बाद फिर यार कलर चेंज करना है, अलग अलग प्रकार के कलर आपको पूरा गोल गोल घुमाना है, जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ अलग अलग कलर आपको। इस प्रकार 4-5 कलर आपको चेंज कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो सेम टू सेम इस प्रकार आपको कर लेना है। तो मैं इसी प्रकार से, ताकि अक्षर ना दिखे, तो आपको प्रत्येक कलर को आप लेना है गोल गोल घुमाकर, पूरा ढंपे रहना चाहिए। तो ढंपे होने के बाद आपको फिर हैंड राइटिंग पर टच करना है, उसका 3 डॉट। उसके बाद फिर डुप्लीकेट कर लेना है, फिर डुप्लीकेट करने के बाद उसको टच करके फिर एक टच कीजिए। उसके बाद फिर एनिमेशन लगाना है आपको, जैसे मैं एनिमेशन लगा रहा हूँ क्लॉकवाइज, जो घूम रहे हैं। उसके बाद एक ठक को ही लगाना है, उसके बाद फिर थोड़ा लंबा कर लेना है दोनों को, जो डुप्लीकेट किए हैं हैंड राइटिंग को, तो बराबर कर लेना है हैंड राइटिंग को ऊपर वाला लेयर से। उसके बाद हमको जाना है हैंड राइटिंग टच करके 3 डॉट पर, उसके बाद सेंड टू बैक को हमको दबाना है। उसका नीचे वाले हैंड राइटिंग को फिर टच करना है, फिर 3 डॉट पर उसका सेंड टू बैक, इसको भी दबाना है। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो चलेगा। तो इस प्रकार से वीडियो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको इस वीडियो पूरा पूरी हो चुका है, उसका शेयर का बटन दबाकर आप वीडियो को सेव कर सकते हो। उसके बाद एक्सपर्ट पर दबाए, उसके बाद इस प्रकार से आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगा। तो डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड अब पूरा हो गया है।